हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं भाई एक एक्सपेरिमेंटेड वीडियो। एक्सपेरिमेंट तो एक बहाना है, लेकिन आपको सही जानकारी देना यही हमारी वीडियो का एक प्रकार से मोटिव है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे, और काफ़ी किसान भाइयों की कन्फ्यूजन बनी हुई है कि कॉपर ऑक्साइड क्लोराइड को और वायर कंपनी की जो एलिड फपून नाशक आती है दोस्तों, क्या इन दोनों को मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं। भाई साहब, यह वायर कंपनी की एलिड फपून नाशक है। तो ये जो सिस्टमिक फपून नाशक है, इसमें जो पता है दोस्तों, यह जो तीर के निशान है, यह किस लिए है? तो यह जो सिस्टमिक फुल्ली सिस्टमिक फपून नाशक है दोस्तों, यह है जाइलम और फ्लोएम एक्सम से हमारी फसल पर काम करती है। मतलब आप ड्रिंचिंग करेंगे, इसको सॉयल एप्लीकेशन से देंगे, तो भी सॉयल संबंधित जो जड़ संबंधित है, जड़ों के पास जो ही फंगस है, चाहे रूट रॉड हो, आद्र गलन हो दोस्तों, या फिर जड़ गलन की समस्या आती है, उकठा रोग की समस्या आती है, तो ये प्रकार से समझ लीजिए स्प्रे में भी अच्छे रिजल्ट आएंगे, लेकिन इसकी ड्रिंचिंग में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। तो यह स्प्रे के माध्यम से, यानी ऊपर से स्प्रे करेंगे तो भी काम करेगा, और आप नीचे से प्रयोग करेंगे तो अभी यह काम करेगा, लेकिन यह नीचे से यानी पूरे पौधे पर यह फैल जाती है, काफ़ी अच्छा काम करती है। वायर कंपनी की एलिड फपून नाशक दोस्तों, इसमें फोजिटाइल एल्यूमिनियम 80% है, जो कि WP फॉर्म में आती है, वेटेबल पाउडर फॉर्म में आती है दोस्तों, और यह डाउनी मिल्ड्यूट के साथ साथ जड़ संबंधित जो फंगस आते हैं उन पर काफ़ी अच्छा काम करती है, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा है। और इसका जो डोज है दोस्तों, एक एकड़ में ड्रिंचिंग कर रहे हैं तो 200 लीटर पानी में 800 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम की दर से यदि ड्रिंचिंग करते हैं तो विल्ट की समस्या है दोस्तों, रूट रॉट की समस्या है, कॉलर रोट की समस्या है, बहुत ही बेहतरीन, मतलब ये एक प्रकार से काम करती है वायर कंपनी की एलिड फपून नाशक। और साथ ही हम बात कर रहे हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। तो जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है दोस्तों, 50% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर बेस फपून नाशक है, 50% है, WP फॉर्म में आती है, वेटेबल पाउडर फॉर्म में आती है। तो जानकारी के लिए आपको बता दें, ध्यान से सुनिए दोस्तों, यदि आप बायर कंपनी की एलेट फपून नाशक का यदि आप प्रयोग कर रहे हैं, तो जब आप स्प्रे करें, घोलें, तो ठीक तरीके से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जो गैस होती है, तो ठीक तरीके से इसको घोलते रहें, और प्रॉपर घोलने के बाद यह जो एलिड फपून नाशक है फोजिटाइल एल्युमिनियम, यह पानी पर नीचे टंकी में बैठता है, तो हमेशा घोलकर आप घोलते रहें और स्प्रे करते रहें, पहली बात है, और इसकी ड्रिंचिंग ही करनी है। इसके अलावा दोस्तों, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की अगर बात करें तो यह भी पाउडरी मिल्ड्यूट पर हल्का फुल्का काम करती है, लेकिन ब्लाइट पर बहुत ही अच्छा काम करती है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, और हल्के फुल्के फंगस पर दोनों प्रिवेंटिव रूप में ही काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो इनका जो वर्किंग है वो तो आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन दोस्तों, यदि आप एलिड फपून नाशक का प्रयोग कर रहे हैं तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिक्स एक साथ करने की तो दूर की बात है कि मिक्स कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और एक बात और कि आप ना तो मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, पहली बात, और दूसरी बात ये है कि दो दिन पहले से लेकर दो दिन बाद तक आप कॉपर बेस जो फपून नाशक होती हैं, सल्फर बेस फपून नाशक होती हैं, इनका स्प्रे नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, इन दोनों को मिक्स करके स्प्रे करते हैं तो रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं प्राप्त होंगे, और ऐसा करते हैं तो पत्तों में स्कॉर्चिंग आ सकती है, उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो चलिए एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं कि हमारे किसान भाई, सबसे पहले हम मिक्स करते हैं, ये है एलिट, इसको ठीक तरीके से हम मिला देते हैं, घोल देते हैं, इसको हमने ठीक तरीके से दोस्तों घोल दिया है। अब इस पर हम मिलाएंगे कॉपर ऑक्सी क्लोराइड, जरूरी नहीं है दोस्तों कि सब घोल फटे तभी हम उसको स्प्रे ना करें, कुछ ऐसे घोल होते हैं जो मिक्स तो हो जाते हैं लेकिन उनके रिजल्ट सही नहीं मिलते। तो इसीलिए जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होती है ना दोस्तों, इसको आप सिवाय हेक्साकोनाजोल के साथ बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, जी हाँ, हेक्साकोनाजोल के साथ बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, लेकिन आप
कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को किसी भी फफूंदनाशक के साथ मिक्स ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। बाकी आप कीटनाशक के साथ, टॉनिक के साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का डोज भी बतला देते हैं। 15 लीटर पानी में जो दोस्तों जो डोज है वो है 40 ग्राम। और आप जो कॉम्बिनेशन है आप देख सकते हैं कि आप थोड़ा सा जूम करते हैं, घोल देखेंगे दोस्तों तो घोल फट चुका है। ये देखिए कुछ ऐसे भी घोल होते जो नहीं फटते लेकिन उसके रिजल्ट नहीं आते, लेकिन आप वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि इन दोनों का आपस में मेल नहीं हुआ है और इनको आप मिक्स करके स्प्रे ना करें। जो घोल है जो आपस में रिएक्ट कर चुका है, घोल फट चुका है, तो इन दोनों को आपस में आप मिक्स करके प्रयोग ना करें। ये देखिए दोस्तों, तो धन्यवाद, थैंक यू। और आपको इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।